पेट्रोल नहीं होने की वजह से, ड्राइवर की हड़ताल होने की वजह से भोपाल शहर के अंदर 3 रोज का हड़ताल पे जाएगा ड्राइवर। अगर ऐसा होता है तो फायदा वे तेल खत्म हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया, इस देश का क्या होगा, जनता का क्या होगा? क्योंकि जरूरत ऐसी होती है, किसी को मेडिकल जाना है, अस्पताल जाना है, किसी को कहीं जाना है, लेकिन सरकार को कुछ करना चाहिए इसके लिए, जनता के लिए। आप देख सकते हैं लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, जनता के अंदर हाहाकार मचा हुआ है और नहीं मालूम तेल कितना मिलेगा इसे। आप देख सकते हैं कि आज भोपाल के अंदर पेट्रोल के लिए कितनी मारामारी हो रही है। और जनता एक तो वैसे दुखी थी इस महंगाई से और इस हड़ताल की वजह से और भी ज़्यादा दुखी है। नहीं मालूम ये हड़ताल कब तक चलेगा, 3 दिन का टाइम दिया गया है, हो सकता है बढ़ भी जाए। लेकिन फिलहाल पेट्रोल पंप मिल रहा है, अगर ये खत्म हो गया स्टॉक है। जी साहब, ये सुबह 6 बजे से चल रही है, कंटिन्यू क्यों लगी फिर? साहब ये जो ट्रक वालों ड्राइवरों के साथ अत्याचार कर रही है बीजेपी की सरकार। जी इसलिए भीड़ चल रही है सर। अच्छा जी अच्छा, अगर तेल खत्म हो जाता है तो जी क्या होगा? जी जब ड्राइवर ही नहीं आएंगे तो टैंकर कहाँ से आएगा सर? स्टॉक कितना है? जी स्टॉक अपने पास 3000 लीटर के लगभग बचा होगा, वो भी रात को खत्म हो जाएगा सर। बस लगे, दिक्कत कितनी हो रही है? लगभग 1.5 घंटा हो गया है। तेल मिल रहा है? तेल मिल रहा? अभी तो बोल रहे हैं मिल रहा है, मांगे का नहीं पता। जी जी कि अभी पड़ा है, भीड़ लगी है, जनता परेशान है, देखते हैं। जी सर, क्या दिक्कत आ रही है? बहुत दिक्कत आ रही है। अगर तेल खत्म हो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी, और क्या हो जाएगा? 1 घंटे का स्टॉक बचा है, 1 घंटे का स्टॉक है सिर्फ, क्या कहना चाहोगे? बहुत परेशान है, 1 घंटे का स्टॉक बचा है सिर्फ, 1 घंटे का, क्या होगा? स्टॉक बचा है लेकिन पब्लिक तो सुबह से ही परेशान हो रही है ना। जी सर, 1 घंटे का स्टॉक बचा है कुछ इस तरह कंटिन्यू। जी स्टॉक में तेल कितना है? स्टॉक में केवल 3000 लीटर बचा होगा साहब, बस इससे ज्यादा नहीं है। ये कब तक चलेगा? ये साहब रात को ही कहिए खत्म हो जाए। अगर खत्म हो गया तो फिर क्या होगा? कोई लाइन बंद कर देंगे साहब, लाइन बंद कर देंगे। जी जी, यहाँ कहो कि तेल खत्म हो जाए तो सब कुछ में कितनी दिक्कत आएगी। अगर तेल नहीं होगा तो रोजमर्रा की चीजें की कीमत बढ़ती जाएगी देश के अंदर, और जनता हर तरह से दुखी थी और दुखी होती जाएगी। इन सब बातों के लिए मैं अक्तर खान, परमत न्यूज़, भोपाल, मध्य प्रदेश।